हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक्टिव पैसिव पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं और एक्टिव पैसिव के बेस पे एक्टिव पैसिव हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्रामर है तो ग्रामर में एक्टिव पैसिव भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप अपना स्कोर करते रहेगा, आपने कितना इसमें स्कोर किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें बताना है कि करेक्ट पैसिव कौन सा है, इसका बताना है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बताना है इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। आपका 4 ऑप्शन रखा हुआ है, यहाँ पे पैसिव वॉइस इसका क्या होगा। तो देखिए, हम पैसिव वॉइस अगर एक्टिव से पैसिव करना है ना, तो बहुत ही ईजी वे में है। सबसे पहले उसकी वर्ब पे जाएंगे, उसके हेल्पिंग वर्ब पे जाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे देखिए क्या है, हैज़ है, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है। तो ये देखना है कि अगर आपका एक्टिव वॉइस में हैज़ और हैव आता है, अगर आपके एक्टिव वॉइस में हैज़ एंड हैव आता हो और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती हो, उसके बाद आपका जो भी आता हो, ऑब्जेक्ट आता हो एंड अदर्स जो भी है, तो अगर ये आपके एक्टिव वॉइस में आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, पैसिव वॉइस में ये क्या हो जाता है। तो पैसिव वॉइस में हैज़ बीन, इसी के जस्ट आगे यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैज़ बीन एंड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट प्लस अदर जो भी आते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना है, देखिए हैज़ और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ रही है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, हैज़ बीन प्लस हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा आपका सही है। तो हमें देखना है हैज़ बीन होना चाहिए, क्योंकि अ न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स, यही आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। और पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, आपका जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहता है वो आपके पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पे देखिए, अ न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट है और यही पैसिव वॉइस में आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हैज़ बीन, अब यहाँ पे अ न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स है तो ये आपका सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर है तो हमें हैज़ बीन लगाना है, क्योंकि हैज़ बीन उसी के साथ आती है सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ हैव बीन आता है। ये आपका पहला देखिए सॉरी इज लगा हुआ है जो कि ये इनकरेक्ट है, विल भी नहीं आएगा, एंड हैज़ बीन की बात हो रही है, नरेशन नहीं है कि ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे सेंटेंस में, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, अ न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एक चीज़ आपने और ध्यान देनी है, बाय का भी ध्यान देना है पैसिव वॉइस में, और मेन आपको वर्ब ध्यान देना। तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे भी आपने बताना है पैसिव वॉइस ही बताना है कि इसमें पैसिव वॉइस क्या होगा। साई कुमारी गेव अखिला अ बुके ऑफ लिलीज ऑन हर बर्थडे। तो जो साई कुमारी हैं उन्होंने अखिला को दिया, उनके बर्थडे पर एक बुके दिया, लिलीज का एक बुके दिया। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखेंगे टेंस किस में है, गेव है, वर्ब देखेंगे गेव है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वी टू है यानी कि सेकेंड फॉर्म है। तो सिंपली याद रखिएगा, अगर आपकी सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका अदर वर्ड्स, ये आपका एक्टिव वॉइस में अगर आ रहा है तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा इसका, सिंपली देखेंगे पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट सभी को पता है, ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद आपका इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस बाय, उसके बाद आपका सब्जेक्ट का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ जाएगा एंड उसके बाद आपका अदर्स जो भी उसके बाद वर्ड्स आ रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही रखा जाएगा एक्टिव वॉइस का, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बाय के बाद रखा जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ कॉमन ये है, तो यहाँ पे वी टू आया हुआ है, अब लेकिन हमें पैसिव वॉइस निकालना है तो पैसिव वॉइस में हमें वॉज या वर्ब को ढूंढना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे अखिला वॉज गिवेन अ बुके ऑफ लिलीज ऑन हर बर्थडे,
तो ये तो समझ में आ रहा है, अकेला वॉज गेव। देखिए एक चीज़ है, वर्ब की थर्ड V3 आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऐसे गलत हो जाएगा। अकेला इसकी कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वॉज या वर आना चाहिए, हालांकि यहाँ पे अकेला सिंगुलर है तो वॉज आना चाहिए, गिव की बात नहीं होगी। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट वन क्वेश्चन का यहाँ पे भी आपने करेक्ट पैसिव बताना है कि कौन सा पैसिव वाइज है। यू कैन सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, तो इसमें करेक्ट बताना है कि कौन सी आपकी पैसिव वाइज करेक्ट है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले वर्ब पे जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब कैन है, कैन क्या है, एक मॉडल है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। तो सिंपली ध्यान रखना है अगर एक्टिव वॉइस में आपका आ रहा है, अगर आपकी एक्टिव वॉइस में आ रही है कि सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट आ रहा हो प्लस मॉडल, प्लस मॉडल, मॉडल मतलब कैन, मॉडल में कुछ भी आ जाए, कैन आ जाए या आपका मे आ जाए, मे आ जाए, या आपका शैल आ जाए, या आपका विल आ जाए, एट्सेट्रा, जितने भी मॉडल में आते हैं अपने ध्यान रखना है। तो अगर आपका ये आ रहा है एंड इसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, ओके, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है उसके बाद आपने अदर वर्ड्स आता है, तो पैसिव वाइज इसका कैसे बनेगा, तो इसका सिंपली पैसिव वाइज कैसे बनेगा तो ये ध्यान रखना है, इसका पैसिव वाइज बनेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि जनरली हम ऑब्जेक्ट को ही सबसे पहले लाते हैं, फिर मॉडल, ये जो मॉडल आया है ना, कैन, मे, शैल, विल, टेल, जितने भी मॉडल अगर आते हैं तो बस उसके आगे क्या रखना है, बी रख देना है। अब यहाँ पे कैन आया हुआ तो कैन को लेंगे, कैन प्लस बी, बी आ जाएगा, कैन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा एंड प्लस अदर वर्ड्स आएंगे। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आपका मॉडल आ रहा कैन, मे, शैल, विल, तो अगर एक्टिव वॉइस में आ रहे हैं तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएंगे, इनके बाद ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा, बस इसके बाद आपने क्या रखना है, बी रख देना है, बी, कैन बी हो जाएगा, मे आता है मे बी हो जाएगा पैसिव वॉइस में, शैल आता है शैल बी हो जाएगा, विल आता है तो विल बी हो जाएगा, और उसके बाद ध्यान रखना है V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे आपका कैन बी आ रहा है, जो कैन बी सेंटेंस होगा वही आपका सही हो जाए। विल बी ये ऐसे गलत हो गया क्योंकि विल बी है, हैड बीन की कोई बात नहीं हुई या आर बीन की कोई बात नहीं हुई, कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब सी पे लगा के आएंगे, ओके, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अब मुझे नहीं लगता इतना डिटेल समझाने की ज़रूरत है, हालांकि फिर भी हम समझाएंगे, यहाँ पे जो भी टफ रहेगा उसी को समझेंगे। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म यहाँ पे भी बताना है, द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द स्टेट्स अफेक्टेड बाय द साइक्लोन। अब यहाँ पे बताना है कि इसमें बताना है कि करेक्ट पैसिव वाइज बताना है कि कौन सी करेक्ट पैसिव वाइज है, ठीक है। द गवर्नमेंट इज़ हेल्पिंग द स्टेट्स अफेक्टेड बाई द साइक्लोन, थोड़े दूसरे टाइप का क्वेश्चन है ये, लेकिन तब भी ध्यान दीजिएगा कौन सा सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, अब इसका मैं एक यहाँ पे रूल लिखती हूँ, एक्टिव वाइज में अगर आपके ये आता है तो, अगर आपके एक्टिव वाइज में आता है जैसे कि सब्जेक्ट आ रहा हो एक्टिव वाइज में, सब्जेक्ट उसके बाद प्लस इज एम आर, प्लस इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म आती है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है एंड आपका अदर वर्ड्स आते हैं, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में हो गया। तो आपने क्या करना है, पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस में आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लेते हो, ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो भी आप यहाँ पे लाना चाहते हो ले आना है, यहाँ पे इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद आपने क्या रखना है, बीइंग रखना है, ये ध्यान रखना है, बीइंग रखना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 एंड उसके बाद आपने रखना है बाई, उसके बाद आपने रखना है वो सब्जेक्ट, बाई के बाद तुरंत सब्जेक्ट रखना है एंड अदर वर्ड्स आएंगे। तो देखते हैं कौन सा इसमें सही है, द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द स्टेट्स अफेक्टेड बाई द साइक्लोन। तो यहाँ पे हमने देखना है कि बीइंग किस में है, वही हमारा सही हो जाएगा जिसमें बीइंग होगा। तो देख रहे हैं, द स्टेट्स अफेक्टेड बाई द साइक्लोन हैव बीन हेल्प्ड, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है, हैव बीन की बात नहीं हुई है, बीइंग की बात हुई है ना। द स्टेट्स अफेक्टेड बाई द साइक्लोन विल बी हेल्प्ड,
ऐसी कोई बात नहीं हुई है, बी की नहीं, बीइंग की बात हुई है। यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट इज गोइंग टू हेल्प, ये भी गलत है। यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। द स्टेट्स अफेक्टेड बाय द साइक्लोन आर बीइंग, क्योंकि स्टेट्स की बात हुआ है, आपकी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसलिए आर लग गया। और उसके आगे देखिए बीन है, उसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, सो सी इज करेक्ट हियर। ओके, अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट वन पे आएंगे। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वाइज, यहाँ पे बताना है कि करेक्ट पैसिव वाइज कौन सा है। अ ट्रैफिक पुलिसमैन फाइंड तारूफ और जंप इन द रेड लाइट। अब यहाँ पे बताना है फाइंड, ये देखेंगे फाइंड, ये किस में है, ये V2 है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में लगती है, आपके सिंपल पास्ट में लगती है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, पैसिव वाइज का जस्ट अभी मैंने समझाया है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो सिंपली बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है, वो इसका पैसिव वाइज में क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब हो जाएगा प्लस V3, ये ध्यान रखना है। तो देखते हैं किस में आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रहेगा, तो यहाँ पे आपका कौन सा सही होता है। ट्रैफिक पुलिसमैन वॉज फाइंड, अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो वॉज फाइंड लगाया है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रख दिया, ऐसा तो पैसिव वॉइस में नहीं है। पैसिव वॉइस में क्या है, अब यहाँ का जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट बन जाता है। इसको देखेंगे, इज की कोई बात नहीं हुई है ना, वॉज या वर आना चाहिए। अब जो कि यहाँ पे तारू है, तो तारू को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया, तो तारू को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तारू जो कि सिंगुलर है तो वॉज आना चाहिए। हैज़ बीन की कोई बात नहीं हुई है, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। तारू वॉज फाइंड अ ट्रैफिक पुलिस मैन फॉर जंपिंग द रेड लाइट। तीन चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज से, तो ये अपने हल्के में नहीं लेना इसको, ओके हल्के में नहीं लेना है कि ये तो बहुत इजी है, कभी कभी बहुत टफ भी पूछा जाता है। नेक्स्ट वन है ही ड्रोव द कार, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, पैसिव ही करना है। ही ड्रोव द कार वेरी केयरफुली ऑन द हिली ट्रेन, तो यहाँ पे बताना है, यहाँ पे भी ड्रोव वर्ब देखेंगे तो ड्रोव क्या है, ये भी वर्ब V2 है, और V2 से साफ साफ पता चल रहा है कि सेंटेंस किस में है, पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस में, जो एक्टिव वॉइस है वो पास्ट इंडिफिनिट में है, इसलिए सेम वही चीज़ें हैं, वॉज या वर ध्यान रखना है। जब भी आपका V2 आए ना, तो पैसिव वॉइस में आपने ध्यान रखना है, वॉज वर आना चाहिए, V3 आना चाहिए उसके बाद। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपने वॉज या वर रखना है, सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। अब यहाँ पे देखेंगे हम, द कार वॉज ड्राइवन वेरी केयरफुली ऑन द हिली ट्रेन, ये थोड़ा सही लग रहा है सेंटेंस, लेकिन और भी सेंटेंस देख लेते हैं हम। इज की बात नहीं हो रही है, वॉज या वर आना चाहिए। कार हैज़ की बात नहीं हो रही है, अगर कार को हम बना दिए हैं तो कार सिंगुलर है तो वॉज आना चाहिए, इज की बात नहीं हो रही है, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, यहाँ पे भी बताना है पैसिव वाइज ही बताना है। आदिया पास द ड्राइविंग क्वाइट ईजली, अब यहाँ पे बताना है, इसको भी करना है पैसिव वाइज में, पास्ट लगा ही हुआ है, यानी कि V2 है, यहाँ पे भी पास्ट इंडिफिनिट में ही है, ओके पास्ट इंडिफिनिट में है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे भी लाना है पास्ट इंडिफिनिट, तो वॉज या वर ही होना चाहिए, दूसरा नहीं है, वॉज या वर प्लस V3, ये ध्यान रखना है। तो हैड की बात नहीं हुआ, हैव की बात नहीं हुई, कुड की बात नहीं हुई, डी करेक्ट हो जाएगा, वॉज प्लस V3 है। द ड्राइविंग टेस्ट वॉज पास्ड, ये हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, यहाँ पे भी बताना है कि एक्टिव और पैसिव वाइज, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव एंड पैसिव वाइज। यहाँ पे बताना है पैसिव वाइज ही करना है। अब यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हो गया है, सेलिब्रेट द न्यू ईयर विद अमेजिंग ऑफर्स, ये सेंटेंस आपकी इम्परेटिव सेंटेंस है, ये ध्यान रखिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस का ही बनाए, क्योंकि वर्ब्स जो चीज़ें इसमें क्या होता है, जो कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो छुपा रहता है, इसमें यू तो छुपा हुआ है, बस वर्ब से स्टार्ट हुआ है, सेलिब्रेट द न्यू ईयर विद अमेजिंग ऑफर्स। तो कभी भी अगर आपका इम्परेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आ रहे हैं, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा इसको देख लेते हैं। अगर आपका एक्टिव वॉइस में आ रहा है, एक्टिव वॉइस में अगर आपका आ रहा है, वन मिनट, जैसे वी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि वी प्लस ऑब्जेक्ट ही आएगा, क्योंकि वर्ब से स्टार्ट होता है, तो इसका पैसिव वाइज कैसे बनेगा, पैसिव वाइज कैसे बनेगा, लेट से बनेगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, ये ध्यान रखना है, प्लस V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। या फिर आप दो टाइप की इसका बना सकते हो, और या फिर आप ऐसे बना सकते हो, You are advised
टू करके भी बना सकते हो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड जो आपका लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह आप इसको बना सकते हो अगर वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस तब, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, ये अपने और दो टाइप का ये बन सकता है। खैर देखते हैं ऑप्शन में कौन सा टाइप है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर चूज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी होना चाहिए, तो लेट से कौन सा स्टार्ट है, ये तो स्टार्ट नहीं है, नहीं है स्टार्ट है, नहीं है। तीसरा है लेट आया, उसके बाद द न्यू ईयर ऑब्जेक्ट आ गया इसका, ये ऑब्जेक्ट है द न्यू ईयर आ गया, उसके बाद बी आ गया, बी आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड, उसके बाद आपने जो अदर वर्ड्स आने हैं वो आ गए हैं, ठीक है। लेट द न्यू ईयर बी सेलिब्रेटेड विद अमेजिंग ऑफर्स। और अगर आपने ये वाला बनाना रहता तब कैसे बनाते, तो यू आर एडवाइज्ड टू, यानी कि सेलिब्रेट द न्यू ईयर विद अमेजिंग ऑफर्स, तो यू आर एडवाइज्ड टू, उसने बाद सेलिब्रेट टू करके सेलिब्रेट द न्यू ईयर विद अमेजिंग ऑफर्स, ओके। वो चेंज भी होता रहता है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, नवे पे आएंगे, यहाँ पे भी करना है पैसिव वाइज ही बताना है। रिचर्ड वोर अ ब्रॉड बेल्ट विद शाइनी बकल्स, तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे आपका जो है ये जो है रिचर्ड वोर अ ब्रॉड बेल्ट विद शाइनी बकल्स, तो वोर से हमको पता चल रहा है कि वर वियर की सेकंड फॉर्म है, ये वियर की सेकंड फॉर्म है, अ वी टू है, यानी कि आपकी सिंपल पास्ट में है ना, सिंपल पास्ट में है तो सिंपली ध्यान रखना है सिंपल पास्ट में है, तो पैसिव वाइज क्या होगा, वर होगा, वॉज एंड वर होगा प्लस वी थ्री होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमको रखनी है। तो यहाँ पे देखेंगे ब्रॉड हैड बीन की बात नहीं हो रही, सिर्फ वर्ब पे आएंगे और यहाँ पे आपको वॉज या वर आना चाहिए। यहाँ पे देखिए अब ब्रॉड बेल्ट विद शाइनी बकल्स वर वॉज वर्न बाय रिचर्ड, आपके पास बी है एंड डी है, तो दोनों में क्या सही होने वाला है, तो देखिए यहाँ पे अब्रॉड बेल्ट विद शाइनी बकल्स, दो लोग की बात हो रही है यहाँ पे ना, अरे सॉरी अब्रॉड बेल्ट विद शाइनी बकल्स, ये आपका सब्जेक्ट हो जा रहा है एंड वॉज तो यहाँ पे लगेगा का लगेगा, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाया इसलिए ये भी गलत हो गया, आपका डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाया है। अब वो वियर वोर एंड वॉर्न थर्ड फॉर्म ये हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे पैसिव वॉइस, यहाँ पे भी पैसिव वॉइस बताना है। गेव कावरी अ ब्यूटीफुल येलो ड्रेस, तो गेव आ गया है तो सिंपली जहाँ पे वॉज होगा वही करेक्ट हो जाएगा, ये बाकी सब गलत है, वॉज गिवन अ ब्यूटीफुल ये करेक्ट है। नेक्स्ट वन पे आएंगे यहाँ पे भी पैसिव वॉइस ही बताना है। समवन स्टोल हिज ट्रेवलर्स चेक्स व्हेन ही वॉज ट्रेवलिंग इन यूरोप, तो यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस करना है। देखिए इसमें दो सेंटेंस है, एक है समवन स्टोल हिज ट्रेवलर्स चेक है, दूसरा है व्हेन ही वॉज ट्रेवलिंग इन यूरोप, तो जब भी दो टाइप के जब भी सेंटेंस में दो क्लॉज दी गई हो ना तो पैसिव वॉइस सिर्फ प्रिंसिपल क्लॉज का बनता है, ये ध्यान रखिएगा पैसिव वॉइस सिर्फ प्रिंसिपल क्लॉज का बनता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज आपका यही है समवन स्टोल हिज ट्रेवलर्स चेक, क्योंकि जिसमें आपके कंजंक्शन लग गए वो तो प्रिंसिपल क्लॉज रहा नहीं, वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और इसी का ही बनता है पैसिव वाइज। तो यहाँ पे देखिए स्टोल आया हुआ है, यानी कि ये भी वी टू है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो यानी कि इसके पैसिव वाइज में है वॉज या वर होना चाहिए। देखते हैं कहाँ पर वॉज या वर है। यहाँ पे देखेंगे हैड बीन की बात हुई है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। हिज ट्रेवलर्स चेक आर स्टोल, यहाँ पे स्टोल आर की कोई बात नहीं हो रही है। अच्छा यहाँ पे सी और डी में देखेंगे कौन सा सही है। तो हिज ट्रेवलर्स चेक वॉज स्टोल, ट्रेवलर्स के चेक्स ये आपके उसमें है प्लूरल में है, सो प्लूरल वर्ब आएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, चेक वर स्टोलन व्हेन ही वॉज ट्रेवलिंग इन यूरोप। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैम समवन क्यों नहीं लगा, बाय क्यों नहीं लगा, तो ध्यान रखिएगा कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पर अगर समवन या समबडी एटसेट्रा दिए हो ना तो पैसिव वाइज में हम उसको लगाते नहीं है, वो अंडरस्टूड रहता है, वो समझ लीजिए कि बाई प्लस सब्जेक्ट ही होता है और वो हमें अंडरस्टूड कर लेना चाहिए पैसिव वाइज में, कहीं कहीं लगता है कहीं कहीं नहीं लगता है, ठीक है उस चीज़ को ध्यान मत दीजिएगा, वो अंडरस्टूड है। नेक्स्ट पे आएंगे यहाँ पे भी पैसिव वॉइस करना है। इमरान हैज़ फाउंड टू गुड जॉब्स इन द एडवर्टीजमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर, हैज़ फाउंड की बात हो रही हैज़ फाउंड, यहाँ पे बताना है कि कौन सी आपका कौन सा सही है। यहाँ पे हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अभी जस्ट मैंने ऊपर ही बताया कि हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ रहा है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, हैज़ बीन प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो द न्यूज़पेपर ही बनेगा। देखते हैं टू गुड जॉब्स की बात हो रही है यहाँ पे,
टू गुड जॉब्स हैड फाउंड, हैड की बात नहीं हो रही है, हैज़ की भी बात हो रही है, बट यहाँ पे कहीं पे भी बीन नहीं लगा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। टू आर की कोई बात नहीं हुई है, आर बीइंग तो है नहीं, डी करेक्ट हो जाएगा। हैव बीन, यहाँ पे दो गुड जॉब्स की बात हो रही है, इसलिए हैज़ बीन नहीं आएगा, हैव बीन आएगा, प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट, यहाँ पे भी पैसिव वॉइस करना है, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन आ गया है, मॉडल आ गया है, तो सिंपली पैसिव वॉइस में कैन भी देख लो, वही सही हो जाएगा, और टू भी नहीं होगा, शुड भी नहीं होगा, माइट भी नहीं होगा, कैन भी हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे भी पैसिव वॉइस ही करना है, द मैन बॉट अ पैरट दैट कुड स्पीक 5 लैंग्वेज, बॉट की बात आ गई है, वी टू है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि सिंपल पास्ट है, तो जिसमें आपका वन मिनट जिसमें आपका वॉज होगा वही आपका सही होगा। देखते हैं कौन सा इसमें सही है, तो पैरट कुड द डाइव लैंग्वेज, ये आपका नहीं सही है, क्योंकि इसमें वॉज नहीं आया है, एंड अ पैरट दैट स्पोकन 5 लैंग्वेजेज वॉज बॉट। अच्छा, इसको देखेंगे, होल्ड पे रखते हैं, पैरट दैट ये तो होगा नहीं, हैड बीन का भी यहाँ पे सही नहीं है, एंड पैरट दैट स्पोक 5 लैंग्वेजेज वॉज बॉट बाई द मैन, यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए वॉज आया हुआ है। ओके, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पोकन नहीं होना चाहिए था, वर्क की थर्ड फॉर्म लगा दिया था, जो कि नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्पोक सही है, 5 लैंग्वेजेज वॉज बॉट। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी पैसिव वॉइस बताना है, द इनविगलेटर इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इन टू द एग्जामिनेशन हॉल। यहाँ पे अपने बताना है कि किस में आपका पहले देखेंगे इज एडवाइजिंग, यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा रहता है, तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, जहाँ पे आपका इज एम आर भी हो, जहाँ पे आपका इज एम एंड आर भी हो, एंड उसके बाद आपका बीइंग हो, उसके बाद आपका V3 हो, तो किस में देखते हैं कौन सा आपका सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैव बीन है जो कि गलत हो गया, वर एडवाइस की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पे भी गलत है आपका, देखिए आर बीइंग है, मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आना चाहिए, इन तीनों में से कोई भी आ जाए और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए, तो आर बीइंग है, स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, तो यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट वन पे आएंगे, लेट द शॉप्स बी ओपन, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लेट द शॉप्स बी ओपन, यहाँ पे एक्टिव वॉइस करना है, ओके, क्योंकि ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, तो इसको एक्टिव वॉइस में कैसे करेंगे, देखिए जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सिंपली ध्यान रखिएगा, वी प्लस कभी भी आ जाना लेट प्लस, तो लेट वाला कैसे हम बनाए थे, तो इसका एक्टिव वॉइस वी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा, वी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स जो भी आते हैं इनके बाद, तो देखेंगे वी प्लस ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये दोनों तो नहीं है, ये भी नहीं है, ओपन द शॉप्स है, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, और एक्टिव से पैसिव, मतलब एक्टिव से पैसिव में बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, वॉज योर बैग लेफ्ट इन द बस, इसको क्या करना है, एक्टिव वॉइस करना, अभी एक्टिव का आ गया, वॉज योर बैग लेफ्ट इन द बस, ये ऑलरेडी किस में है, पैसिव वॉइस में है, और इसको हमको किस में करना है, एक्टिव वॉइस में करना है, यहाँ पे देखिए वॉज लगा हुआ है ना, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और वॉज या वर्ब कब लगाते थे, सिंपली ध्यान रखना है, कभी भी पैसिव वॉइस इस तरह अगर आ रहा है, जैसे आपका वॉज आ गया, वॉज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस आपका अदर वर्ड्स अगर आ रहा है, तो इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनाओगे आप, इसका एक्टिव वॉइस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, एंड प्लस आपका उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद आपने अदर वर्ड्स लाना है, तो यहाँ पे देखेंगे हम, वॉज से स्टार्ट हुआ है, ऑब्जेक्ट भी है, योर बैग ऑब्जेक्ट भी है, और V3 भी है, अब इसने क्या करना है, एक्टिव वॉइस इसका डिड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा वी प्लस होगा, V1 होगा, तो हैव नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, यहाँ पे दो जगह पे है डिड, तो डिड भी है, यहाँ पे भी डिड है, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे भी है, सब्जेक्ट यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे V1 है, और यहाँ पे V3 है, जो कि ये गलत हो गया है, आपका डी करेक्ट हो गया, क्योंकि लीव यहाँ पे V1 है। ओके, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्यान रखना है, यहाँ पे भी एक्टिव वॉइस ही करना है, द कैश शुड नॉट बी ड्रॉप्ड,
अब ये भी कैसे करना है, द कैच शुड नॉट बी ड्रॉप्ड, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है। अब इसको एक्टिव वॉइस में कैसे करना है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका एक्टिव वॉइस कैसे था। तो एक्टिव वॉइस इसका कैसे था, तो इस तरह डू नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस था। एंड पैसिव वॉइस इसका कैसे था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस बी प्लस वी थ्री, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यही वाला पूछा है, ऑब्जेक्ट है उसका शुड नॉट प्लस बी प्लस वी थ्री, ऑब्जेक्ट है शुड नॉट प्लस बी प्लस वी थ्री है, इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा, डू नॉट बनेगा। तो देखते हैं डू नॉट किस में है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, डू नॉट ड्रॉप द कैच। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, ये जो रूल मैं लिख रही हूँ ना, ऐसे आप करके इसको जल्दी से, जितनी जल्दी हो सकता है, वैसे हम अगर इसको लर्न करवाएं तो लर्न ही हो जाएगा, लेकिन इस तरह आप इसको याद कर सकते हो। करेक्ट बताना है, सॉरी करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है, वन मिनट, करेक्ट यहाँ पे पैसिव वॉइस बताना है। दे आर मेकिंग एलेबोरेट अरेंजमेंट फॉर द पार्टी, आर मेकिंग लगा हुआ है, तो मैंने बताया था ना इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, तो आपका पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, इज एम आर तो रहेगा ही रहेगा, इज एम आर रहेगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, बीइंग आ जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव बीन की बात नहीं हो रही है, आर, अच्छा यहाँ पे वर्ब बीइंग है, आर बीइंग है, देखते हैं कौन सा यहाँ पे सही है। अब चूंकि यहाँ पे आर की बात हो रही है, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो पास्ट की तो बात ही नहीं होगी, डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। एलेबोरेट अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड फॉर द पार्टी, ओके यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे, 20 पे आ गए हैं हम, पैसिव वाइज ही करना है। ही आस्क्ड मी टू सिंग अ सॉन्ग, अब इसका कैसे हो जाएगा, ये सिंपली अब वी टू है, आस्क्ड मी, अब ये सिंपल पास्ट में है, तो मैंने कहा था ना सिंपल पास्ट में जब भी आए तो ध्यान रखिएगा वॉज वर आएगा प्लस वी थ्री आएगा, इतना ध्यान रखना ही है। तो बींग की बात नहीं हुई है, एंड एम की भी बात नहीं हो रही है, ये भी की बात नहीं हो रही है, आई वॉज आस्क्ड टू सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे यहाँ पे भी करेक्ट एक्टिव बताना है, जब भी आपका एक्टिव बताना है थोड़ा उस पर ध्यान दिया करिए। योर लंच बॉक्स हैज़ बीन पैक्ड बाय द मदर, हैज़ बीन आ गया है, मैंने कहा था ना जब भी आपका हैज़ या फिर आपका हैव आ रहा है प्लस वी थ्री आ रहा है, तो पैसिव वाइज में क्या हो जाएगा, हैज़ बीन हो जाएगा एंड हैव बीन हो जाएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव बीन हो जाएगा प्लस वी थ्री। अच्छा दोनों में यहाँ पे वी थ्री लगा गया, यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब यहाँ पे देखिए हैज़ बीन आया हुआ है, हैज़ बीन आया हुआ प्लस वी थ्री भी आया हुआ है, करना क्या है अपने, ये वाला लाना है, ये वाला एक्टिव वॉइस करना, यानी कि हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अब वी थ्री आना चाहिए। देखते हैं किसमें आता है, तो इसमें तो हैड आया ये गलत हो जाएगा, इसमें इज़ आया ये भी गलत हो गया, इसमें विल आया ये भी गलत हो गया, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, हैज़ भी आया है और वी थ्री भी आया है, आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप इसको याद रख, जल्दी जल्दी हो जाएगा वैसे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, करेक्ट पैसिव बताया, वी ऑल रिगार्ड लीजा एज एन एक्सपर्ट, तो यहाँ पे भी करेक्ट बताना है, करेक्ट पैसिव बताना है, तो वी ऑल रिगार्ड हमें देखना है कि ये किस में है, तो सिंपल प्रेजेंट में है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है सिंपल, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे वी है सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल अगर सब्जेक्ट रहता है तो वर्ब में एस आई एस नहीं लगता है, अगर सिंगुलर है तो लगेगा, तो चूंकि नहीं है, अगर देखिए सब्जेक्ट आया है उसके बाद अपने क्या रखना है, वर्ब वी वन रखना है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट रखना है, उसके बाद आपका अदर वर्ड्स आता है। तो इसका ये तो हो गया एक्टिव वाइज, इसका पैसिव वाइज क्या हो जाएगा, सिंपली इसका ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद आपका इज एम आर प्लस वी थ्री, एक रहता है कॉन्टिन्यूस वाला, वो आपका इज एम आर रहेगा, वी थ्री नहीं रहेगा, वो आपका इज एम आर रहता है बट आपका वर्ब में एस आई एस नहीं रहता है, अरे सॉरी आपका इज एम आर रहेगा और वो आपकी कॉन्टिन्यूस रहेगी, उसमें आई एन जी रहेगा उसके वर्ब में, वो ध्यान रखिएगा उसके वर्ब में आई एन जी रहेगा, तो वहाँ पे हमने बीइंग रखना है, बट यहाँ पे सिंपली सिंपल प्रेजेंट में है, वी वन है, तो आपने इज एम आर प्लस वी थ्री रखना है। तो देखते हैं किसमें आपका आता है, शुड बी की बात नहीं हुई है ना,
शुड बी की कोई बात नहीं हो रही है एंड हैज़ बीन की भी कोई बात नहीं हुई है, इज की बात हो रही है क्योंकि इज है, वॉज की है, इज प्लस आपका क्या आया वी थ्री आया, लीजा जो कि सिंगुलर है इसलिए इज लग गया है, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, करेक्ट पैसिव बताना है, दे विल ले द फाउंडेशन स्टोन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, तो विल यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, मैंने अभी बताया था कि विल शैल कैन कुड मे माइट ये सारे आ रहे हैं आपके एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में बस क्या करना है इनके बाद बी लगा देना है, बी प्लस वी थ्री आना चाहिए। तो देखते हैं इज की बात नहीं हुई है, इज बी इनकी, विल भी है, विल भी तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या वी थ्री है, ये भी ध्यान रखना है आपने, वर्ब भी ध्यान रखना है, सिर्फ इतना ही नहीं रखना है, तो विल भी तो आया हो लेकिन वी थ्री नहीं आया, आई एन जी ये भी गलत हो गया, विल हैव की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पे देखिए विल भी है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, वी थ्री भी है, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे भी करेक्ट एक्टिव वॉइस बताना है, ओनली होम कुक्ड फूड इज ईटन बाय अस, ऑलरेडी ये पैसिव वॉइस में है, इसे हमें किस में बनाना है, एक्टिव वॉइस में बनाना है, तो ओनली होम कुक्ड फूड इज ईटन बाय, इज ईटन लगा है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट में था, सिंपल प्रेजेंट में कैसा रहेगा, अभी हमने बताया ना कि सब्जेक्ट आना चाहिए एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए एंड ऑब्जेक्ट आना चाहिए सिंपली, ओके और ये पैसिव वॉइस था, ये ऑब्जेक्ट है इज एम आर प्लस वर्ब, तो देखते हैं किस में आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखिए ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, वी एट ओनली एट की बात आ गई है, तो ये तो वी टू है यानी कि सिंपल पास्ट है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, वी ईट हैव की कोई बात नहीं हुई है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आया हुआ है एंड वी वन आया हुआ है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, वन मिनट, करेक्ट पैसिव बताना, वी हैव कुक्ड एट द प्लांट, तो हैव हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव वाइज में हैज़ बीन हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, द प्लान सिंगुलर है तो ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा, प्लान हैव बीन नहीं होगा, हैज़ बीन, द प्लान हैज़ बीन लुकड एट केयरफुली, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट, रजिया सुल्ताना रूल्ड ओवर द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया, तो रूल्ड उन्होंने किया था, रूल्ड यहाँ पे देखिए सिंपल पास्ट है, वी टू है, सिंपल पास्ट की बात भी मैं बताई, तो सिंपल पास्ट बस एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका पैसिव वॉइस में वॉज या वर आएगा प्लस वी थ्री, वी थ्री मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया वॉज आया हुआ है, बाकी तो सब सही है, हैड बीन की कोई बात नहीं हुई है, वॉज बींग नहीं आएगा, वॉज बींग कब आता है, जब वॉज या वर के बाद आपने वर्ब की आई एन जी लगी हो यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, तब ये भी नहीं सही है। अच्छा इसको देखेंगे, ये भी नहीं सही है, यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, वॉज रूल्ड ये सही है आपका, सिंपल पास्ट है। नेक्स्ट, यू माइट बी प्रॉम्प्टेड दिस ईयर, एक्टिव वॉइस करना है, मैंने भी कहा था ना यहाँ पे एक्टिव वॉइस करना है, यू माइट बी प्रॉम्प्टेड दिस ईयर, तो कभी भी ध्यान रखिएगा एक्टिव वॉइस में अगर आपका सब्जेक्ट आ रहा हो एंड आपका माइट आ रहा हो, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वी वन आ रहा हो प्लस आपका ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स अगर आ रहे हो, तो पैसिव वाइज कैसे करेंगे इसका, सिंपल ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट तो करते ही करते हैं, उसके बाद आपका माइट बी प्लस वी थ्री प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, देखिए यहाँ पे माइट बी आया हुआ है, माइट बी प्लस वी थ्री आया हुआ है, अब करना क्या है, एक्टिव बोल रहा है, ये वाला लाना है हमको, ऐसे सब्जेक्ट माइट प्लस वी वन, देखते हैं दे माइट, ठीक है सब्जेक्ट आया, दे माइट प्रॉम्प्ट यू दिस ईयर, अच्छा दे विल प्रॉम्प्ट, विल की कोई बात नहीं हुई है, दे शुड हैव, तो यहाँ पे देखिए शुड हैव इसकी भी कोई बात नहीं हुई, शुड की, मे की भी कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी ना नरेशन का कि मे को माइट में कर देंगे, यहाँ पे आपका यही सही हो जाएगा, दे माइट प्रॉम्प्ट यू दिस ईयर, माइट आना चाहिए, माइट कभी भी आ रहा एक्टिव वाइज में, पैसिव वाइज में माइट भी हो जाता है। करेक्ट पैसिव बताना है, दे आर लिफ्टिंग द कार विद अ क्रेन, आर लिफ्टिंग, देखिए आ गया ना, इज एम एंड आर, इज एम एंड आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आया हुआ, वी वन नहीं आया, वी फोर आया हुआ यानी कि आई एन जी,
यहाँ पे देखिए आईएनजी, तब ये कॉन्टिन्यूस हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा पैसिव वाइज में, ये पूरा तीनों तो रहेंगे लेकिन इसके बाद आपने क्या रख देना है, बीइंग रख देना है और उसके बाद वी थ्री आना चाहिए। इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वी थ्री आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे दी कार इज बीइंग, दी कार बीइंग्स है लिफ्टेड, दी कार इज लिफ्टेड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें बीइंग भी लाना है ना, इज एम आर लाना है एंड बीइंग भी लाना है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे बीइंग होगा, ये बीइंग होगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, द कार इज बीइंग, उसके बाद आपने देखना है वी थ्री, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इसको भी करेक्ट पैसिव करना है। मम्मा द गेव मी एन इंटरेस्टिंग बुक, गेव लग गया यानी कि आपकी सिंपल पास्ट है, वी टू है तो वॉज या वर होना चाहिए। आई वॉज गिवन एन इंटरेस्टिंग बुक बाई मदर, एंड इज गिवन की बात नहीं हो रही है, आई एम गिवन की बात नहीं हो रही है, हैज़ बिन गिवन की बात नहीं हो रही है, आई वॉज गिवन एन इंटरेस्टिंग। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट है, करेक्ट एक्टिव करना है। बाई होम वर यू पुश्ड इन टू द मड, ये आपका पैसिव वॉइस था, इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस करना है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका पैसिव वॉइस बना कैसे है, बाई होम, यानी कि सबसे पहले देखेंगे बाई पैसिव वॉइस, देखेंगे पैसिव वाइज में क्या आया है, बाई होम, बाई होम करके उसके बाद आप क्या आया है, वॉज या फिर आपका वर आया है ना, वॉज या वर, उसके बाद आपने आपका क्या आया है, सब्जेक्ट आया है एंड वी थ्री आया है, एंड उसके बाद आपका जो भी आता है, ठीक है। एक्टिव वाइज में कैसे आएगा, इसका एक्टिव वाइज कैसे बनेगा, क्योंकि एक्टिव वाइज ही बताया है यहाँ पे, तो हु, हु प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म वी टू, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट उसके बाद आपका अदर वर्ड्स आता है। तो यही चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पे पैसिव वाइज हो गया, यहाँ पे एक्टिव वाइज। तो बाई होम देखिए, बाई होम आया है, उसके बाद आपका वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पे आपका वर आया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, अरे प्लूरल है। उसके बाद आपने देखना है सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वी थ्री, इसको एक्टिव वाइज कैसे करेंगे, हु वाला करेंगे, हु प्लस वी टू होना चाहिए एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो हु वाज पुशिंग, ये गलत हो जाएगा, होम तो होगा नहीं, एंड हु हैज़ की कोई बात नहीं हुई है, हमें बताना है हु लाना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो हु यहीं पर लगा हुआ है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी लगा हुआ है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आया हुआ है, उसके बाद अदर वर्ड्स आया है, यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको, ये 30 क्वेश्चन थे जो मैंने समझाने की भी कोशिश की है, जो आपको ये मुझे पता है कि सभी को पता होगा, बट फिर भी हमारा काम है पढ़ाने का एंड समझाने का, तो मैंने समझा भी दिया है और रूल भी बता दिए हैं। तो कैसा लगा ये एक्टिव वाइज का, एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इससे, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और कितना आपने स्कोर किया इसमें, 30 out of 30 तो होना चाहिए सभी का, कितना स्कोर किया ये भी बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, बाय बाय।